हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारी नई वीडियो में। दोस्तों मैं गुफरान, आप देख रहे हैं गुफरान हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में जो व्हाट्सएप चलाते हैं वो आप जीवी व्हाट्सएप के अपडेट जो नई अपडेट आई है वो आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप उसे चला सकते हैं, उसके कौन कौन से फीचर हैं, आप उसकी स्टेटस भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके जो लास्ट सीन है उसके हिडन कर सकते हैं, अनहिडन कर सकते हैं, अपना जो अगर कोई पर्सनल कोई से अगर चैट करते हैं तो उसको भी आप लॉक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों अपने मोबाइल पे आपको बताएंगे, और कि उसको डाउनलोड करना है अगर आप फॉरवर्ड मैसेज आपके पास कोई भेजता है वो भी नहीं भेज सकता, बहुत सारी चीज़ें आपकी व्हाट्सएप में बताएंगे कि उसके अंदर कैसे कैसे अपना पर्सनल लॉक लगा सकते हैं, किसी एक पर्सन पर या एक चैट अगर चाहें तो लॉक लगा सकते हैं आप, उसको एक पर्सन का डायरेक्ट चैट को चेंज कर सकते हैं, वॉइस भी इसके चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग की आवाज़ आप वापस भेजते हैं तो उसमें कैसे रिकॉर्ड करना होता है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप अपना चाहें तो कई तरह की आवाज़, चाहे आप रोबोट की आवाज़ में, चाहे किसी जेंट्स की आवाज़ में, चाहे आप किसी लेडीज़ की आवाज़ में, जिस चाहे उस आवाज़ में आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों अपने मोबाइल स्क्रीन पे, आ चुके हैं दोस्तों अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों पहले सेटिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक वाईफाई तरह का आइकन दिख रहा है दोस्तों, ये फ्लाइट मोड की तरह होता है। दोस्तों अगर इसे दोस्तों हम ऑन कर देंगे दोस्तों, तो इसमें ये होगा कि हमारा जो ना तो कोई मैसेज आ सकता है ना कोई मैसेज जा सकता है। अगर हम ऑनलाइन भी हैं, मतलब अगर हमारा नेट ओपन भी है, डाटा हमारा खुला भी है, तब भी हमारा कोई मैसेज ना आ सकता है और ना मैसेज कोई जा सकता है अगर हम इसे एक्टिव कर देंगे दोस्तों। दोस्तों दूसरी सेटिंग की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मून लाइट की तरह ये आइकन दिख रहा है। दोस्तों इससे होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है एक डार्क हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमारा डार्क हो चुका है, फिर दोबारा ऑन करेंगे ये हमारा लाइट हो जाएगा। दोस्तों दूसरे सेटिंग के बाद में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्टेटस क्लिक करेंगे, सिंपली से स्टेटस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पर किसी का स्टेटस अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से सिंपली स्टेटस पे क्लिक करेंगे और स्टेटस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको इस तरीके दिख रहा है, यहाँ पर देखो डाउनलोड का बटन दिख रहा है और यहाँ पर कॉपी का दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, किसी का डाउनलोड करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सिंपली से आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर किसी का चैट हाइडन करना है तो सिंपली से आप उस चैट को सिंपली से थोड़ा प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, थोड़ी देर तक दाबे रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे सिंपली से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लिखा है हिडन चैट, तो सिंपली से इस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कोई पैटर्न डालना चाहें तो यहाँ पर कोई पैटर्न भी डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों पैटर्न डाल दिया, अब ये पैटर्न पड़ गया है, अब कोई भी इसको ये हमारा जो वो था वो हमारा। दोस्तों अगर हमें वॉइस चेंजर भेजना है तो वॉइस चेंजर कैसे भेजते हैं, तो ऐसे मेरे रिकॉर्ड भेज देते हैं सिंपली से। दोस्तों यहाँ पर अगर हमें आवाज़ चेंज करनी है दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिख रहा है, वॉइस चेंजर पर अगर क्लिक कर देंगे और वॉइस चेंजर में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी आवाज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों जो आप सिलेक्ट कर देंगे वही आवाज़ में आप रिकॉर्ड करके वो जो सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद आप जो भी आवाज़ जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो आपका इसी भाषा में रिकॉर्ड होकर वहाँ से चला जाएगा। जो भी आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, जैसे डीप सिलेक्ट कर लेते हैं या ये सिलेक्ट कर लेते हैं या कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए से दोस्तों हमको ऑफ़ करना है तो ऑफ ही कर लेते हैं। और उसके बाद जो आप भेजेंगे जो भी आप क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ आपको चले जाएंगे वहाँ से, इसी में चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से वापस कर लेते हैं। वापस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली से क्लिक करेंगे थ्री डॉट की भी क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जेबी सेटिंग दिख रही है, जेबी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर चैट स्क्रीन पे आ जाए, चैट पे क्लिक करेंगे। चैट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक्शन बार लिखा है, एक्शन बार पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हाइड, सबसे पहले जो सेटिंग है हमारी चैट बार की, हाइड कंट्रोल प्रोफाइल पिक्चर, दोस्तों इस पर अगर क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पर अगर हमारी कोई फ़ोटो लगी हुई है या हमारा कोई पिक्चर लगा हुआ है या कोई भी हमारा
प्रोफाइल फ़ोटो लगी है, तो यहाँ पे दोस्तों इसे अगर ऑन कर देंगे तो हमारा ये प्रोफाइल फ़ोटो ऑटोमेटिक हट जाएगी, यहाँ से हिडन हो जाएगी। सिंपली से इसके बाद करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे, नीचे आपको दिख रहा है कॉन्टेक्ट हाइड कॉन्टेक्ट नेम, दोस्तों सिंपली से इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये नंबर जो आपका नाम है दोस्तों वो नाम आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल की आपको समझाने के लिए बात करते हैं कि अगर मेरा नाम गुफरान, अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या हमसे अगर चैट कर रहे हैं तो आप इसे अगर हाइड कर देंगे तो ये मेरा नाम हट जाएगा। अगर कोई पड़ोस वाला कोई आपका देखता है कि आप किससे चैट कर रहे हैं तो आपका उसका नाम नहीं आएगा, उसको मतलब ये नहीं पता चलेगा कि आप चैट कर रहे हैं तो किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ये यहाँ से ये गायब हो जाएगा। देखिए टेस्टिंग नंबर टेस्टिंग नेम जो है वो यहाँ से गायब हो जाता है। सिंपली दूसरे सेटिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, दूसरी सेटिंग है हिडन हाइड कॉल बटन। दोस्तों हाइड कॉल बटन में ये होता है कि अगर यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कैमरा वाला बटन एक दिख रहा है, आपको दूसरा बटन दिख रहा है कि जो है कॉल वाला बटन। दोस्तों अगर इसको ऑन करेंगे तो देखिए दोस्तों कैमरा का जो हमारा वीडियो कॉल जिसे हम करते हैं व्हाट्सएप वो भी हमारा गायब हो चुका है, और यहाँ पर हमारे वो चीज़ें वो भी हमारी गायब हो चुकी हैं। इससे हम ऑन कर देंगे तो ये सारी चीज़ें सेटिंग हो। तीसरे सेटिंग है दोस्तों बात करते हैं डिसेबल स्टेटस। डिसेबल स्टेटस में ये होता है दोस्तों अगर इसे हम ऑन कर देंगे तो हमारा जो स्टेटस है दोस्तों तो हमारा स्टेटस यहाँ पर स्कैप चला हो जाएगा, सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि हम किस में ऑनलाइन आते हैं और किस में ऑनलाइन नहीं आते, हमारे स्टेटस को पता नहीं चलेगा कि हम ऑनलाइन हैं या नहीं है। अगर हम मैसेज को रिप्लाई भी दे रहे हैं मतलब ऑनलाइन भी हैं उसी से चैट भी कर रहे हैं, और इसे अगर हम ऑनलाइन कर इसे ऑन कर देते हैं तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि बंदा ऑनलाइन है कि नहीं भी, ऑनलाइन नहीं भी है या है भी, इस बात को उसको कंफर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा स्टेटस ये ऑनलाइन आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये ऑनलाइन का स्टेटस वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। सिंपली से नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप बैकग्राउंड स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों थोड़ा बैक आएंगे, उसके बाद दोस्तों बबल एंड ट्रिक में आएंगे दोस्तों। सिंपली से बबल ट्रिक पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सिंपली से दोस्तों इसको यहाँ पर आप चाहे फंड जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, इसे अगर थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इधर कर देते हैं तो ये छोटा भी हो जाएगा, जितना चाहे उतना छोटा और बड़ा रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली से एक नीचे को एक आइकन मिल जाता है मेक टेस्ट यू सिचुएशन, दोस्तों इसको अगर हम इनेबल कर देते हैं तो हमारा बबल जो चैट है वो नहीं साबित होगा। ये देखिए दोस्तों इसे अगर हम कर देते हैं तो बबल चैट जो हमारा वो साबित नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद रीड मोर का एक बटन आता है दोस्तों, यहाँ पर रीड मोर अगर कर देंगे तो हमारे जो अगर मैसेज हम किसी का मैसेज अगर पढ़ भी लेंगे दोस्तों, इसे अगर ऑन कर देंगे ना तो दोस्तों हम किसी का अगर मैसेज पढ़ भी लेंगे तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा मैसेज पढ़ा गया है, कि सामने वाले बंदे ने जिसको मैंने चैट किया है उस बंदे ने चैट हमारा मैसेज देखा है कि नहीं देखा। उसको जो हिडन का बटन आ जाता है, जो एक गुड का बटन आ जाता है साइड में, अगर हमने किसी मैसेज को देख लिया तो वो बटन यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों टेस्ट स्टाइल पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, सिंपली से पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी स्टैंडिंग लगेंगी दोस्तों। यहाँ पर जो आप थोड़ा पीछे करके दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको देख रहे हैं 7:11 PM पे कॉल आई, आपको यहाँ पर एक गुड की तरह नीली एक बटन दिख रही दोस्तों। यहाँ पे सिंपली से इसको अगर हटाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अच्छा फंड लेने के लिए टेस्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी स्टाइल आप रख सकते हैं, चाहे गूगल के तरह रख सकते हैं या कोई भी स्टाइल आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। बहुत सारे फंड यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी आप स्टाइल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह रखते हैं तो आपको यहाँ पर वो वाला नहीं एलियन वाला दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ तो बबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह की सारी फंड आ जाएंगी, चाहे आप फेसबुक मैसेंजर की तरह जो अपने मैसेज करते हो फेसबुक मैसेंजर की तरह देख सकते हो, या तो आप 3D में देख सकते हो। 3D में देखें तो कितना बेहतर इतना खूबसूरत दिख रहा है कि इसकी जो हमने मैसेज किया है ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने एक कोई पट्टी लेकर उस पर मतलब कोई कागज़ लेकर उस पर चिपका दिया मैसेज, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारी सेटिंग आपको मिलने को मिल जाएगी दोस्तों। सेटिंग तो बहुत सारी इसके अंदर हैं, GB व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी बतानी है दोस्तों, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो रहा है। उसके लिए दोस्तों आगे वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो और भी सेटिंग हम कमेंट बॉक्स में जाएंगे और भी सेटिंग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्त इतना ही।
हेलो दोस्तों, देखा आपने कि हमारे मोबाइल के अंदर कैसे कैसे सेटिंग की जाती हैं। आप सारी चीज़ देख लिया और इस चीज़ को अगर कोई भी चीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इसे डाउनलोड वर्जन कैसे करना है। दोस्तों मैं इसका कोशिश करूंगा कि इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकूं और आप वहां से भी डाउनलोड कर सकें, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए आपको ये इसका लिंक भी दे दूँ, क्रोम ब्राउज़र के से डाउनलोड होता है, वहां से गूगल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड होता है, वहां से आपको इसको डाउनलोड करना होगा। इसके फ्यूचर तो आपने देख ही, अगर कोई भी सेटिंग ऐसी रहेगी जो आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप एक अपडेट से जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आगे से आगे शेयर करें और इसमें बताएं कि आपको कोई इस वीडियो कैसा अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।